नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक, इस पर एक छोटी सी कहानी हमारे पास है, मैं उस कहानी के साथ में आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, एक उत्तर नगर की सब तरफ एक साधु रहते थे, वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर था। उस मंदिर में वहाँ एक पवित्र ऋषि रहा करते थे जो मंदिर की देखभाल करते थे। दोस्तों, वो भिक्षा के लिए प्रतिदिन शहर में जाते थे और शाम को वापस आते थे। दिन भर जो भी वो भिक्षा में मांग कर लाते थे वह उनकी प्रयोग से बहुत ज़्यादा रहता था। कहने का तात्पर्य यह था कि उनकी आवश्यकता से वह बहुत ज़्यादा रहता था और जो भी उनकी आवश्यकता से ज़्यादा होता था। मंदिर में जो भी कर्मचारी थे, साफ सफाई वाले थे, मंदिर की रंगाई पुताई करने वाले थे, मंदिर की देखभाल करने वाले थे, उनको वो दे दिया करते थे। बाकी अपने लिए छोटा सा एक बर्तन रखे थे, उस पर वह रख लेते थे। दोस्तों, उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज साधु महात्मा जो अपने लिए कटोरे में रखा करते थे, उस कटोरे में से वह कुछ न कुछ निकाल लेता था। जब संत जी को ऐसा एहसास हुआ कि उनका जो भोजन है चूहा रोज चोरी करता है, तो उन्होंने उसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफ़ी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक न पहुंच सके, और यहां तक कि उन्होंने उस चूहे को मारने का भी प्रयास किया, छड़ी से भगाने का भी प्रयास किया, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक वह पहुँच ही जाता था। कहने का तात्पर्य साधु ने हर प्रयास किया, लेकिन चूहा सारे प्रयासों को विफल करते हुए वह प्रतिदिन कटोरे में से वह अनाज चुरा ही लिया करता था। दोस्तों, फिर किसी दिन एक भिक्षुक, एक सन्यासी महात्मा मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, और जब मंदिर में महात्मा जी दर्शन करने के लिए आए तो जो साधु महाराज थे वो उस चूहे को भगाने के में प्रयत्न थे, उस चूहे को भगाने के लिए ही वह कोशिश कर रहे थे, और जो महात्मा आए थे उन्होंने उनकी आवाभगत नहीं की। और इसके बाद कुछ समय वो खड़े रहे और फिर उनके मन में यह विचार आने लगा कि मुझसे बात करने के अलावा इनके पास बहुत ज़्यादा अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। जब साधु को उन्होंने ऐसा बोला तो साधु ने विनम्रतापूर्वक, साधु ने आदरपूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी सारी परेशानियाँ भिक्षुक को बता दी, जो महात्मा जी आए थे उनको बता दिए कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन को चुराता है, कितने भी प्रयत्न करते हैं फिर भी वह चूहा उनके कटोरे में से वह भोजन को चोरी करके ले जाता है। कहने का तात्पर्य हर बार किसी प्रकार से वह भोजन चुरा ही लेता था। जब महात्मा ने साधु की बात को पूरी तरह सुना तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि चूहे के पास जो शक्ति आ रही है कहीं न कहीं उसके पीछे जो उसने धन अर्जन किया हुआ है, या तो अपने बहुत पीछे उसने अनाज इकट्ठा कर लिया है, इसलिए उसके अंदर इतनी शक्ति है और उसके अंदर इतनी आत्मविश्वास है। और यह आत्मविश्वास को पहले हम आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, साधु ने बोला कि मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वह डरता नहीं है। इस प्रकार दोस्तों, साधु और जो महात्मा थे निष्कर्ष निकालते हुए कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुँचने में सफल होते हैं तो वो चूहे के भोजन का जो भंडार है वहाँ तक पहुँचने में सक्षम हो जाएंगे। और उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहा का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, अगली सुबह वो चूहा, महात्मा और साधु दोनों चूहा का पीछा करते हुए उसके बिल तक जाते हैं। जब बिल के प्रवेश द्वार तक पहुँचते हैं तो वहाँ से खुदाई शुरू करते हैं। खुदाई शुरू करने के बाद जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा था, और जैसे साधुओं ने वहाँ से वह अनाज का भंडार उठाकर मंदिर में लेकर आए और
जब चूहा वापस बिल के पास जाता है तो देखता है उसके पास वहाँ कुछ भी अनाज नहीं है, और जब अनाज नहीं है उसको देख के वह नर्वस हो जाता है, उदास हो जाता है, उसका जो आत्मविश्वास होता है वह डिग जाता है। दोस्तों इसके बाद से जब चूहा दोबारा उस दिन मंदिर में चोरी करने के लिए आया तो जिस जगह कटोरा था उसी जगह कटोरा रखा हुआ था, और उसी जगह वही जगह भी थी, और प्रयत्न करने वाला चूहा भी वही था, प्रयत्न करने वाला चूहा भी वही था। लेकिन जब जब वह कटोरे पे पहुंचने की कोशिश करता था तब तक वह धड़ाम से नीचे गिर जाता था, और उसे ऐसा एहसास होता था कि अब न तो उसके पास शक्ति है और न ही उसके पास आत्मविश्वास है। और उसी समय साधु महात्मा ने अपनी छड़ी से उसको मारकर भगा दिया, और चूहा वहां से किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य, इस कहानी का अर्थ एक ही है कि यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी न हो, हमें भी अद्भुत शक्तियां और आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं आ सकती है। मन के हारे हार है दोस्तों, मन के जीते जीत है। इस जीवन में कोई भी कार्य कठिन नहीं है, बस करने के लिए हमारे आपके अंदर आत्मविश्वास होने की जरूरत है। अगर हमारे आपके अंदर आत्मविश्वास है तो हर कार्य को हम आप सफल कर सकते हैं। कि उस पथ की पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में कोई सोल न हो, उस नाभिक की नाभिकता क्या जिसकी धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों।